ठीक है, नमस्कार, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 अर्जुन भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आपके मेडिकल कल से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से मतलब 8 मार्च से। मेडिकल से पहले ये वीडियो आप जरूर देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे कि आपका मेडिकल कैसे होगा और आपको अपने पार्ट्स जो भी चेक होगा किस प्रकार चेक कराना है, किस प्रकार आप अपनी गलतियों से बच सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो के आखिरी तक जाइए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्त, जैसे ही आपका मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड मिलता है, आपको पता ही होगा कि एडमिट कार्ड मोस्टली बहुत सारे लोगों के आ गए हैं और कुछ लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, जिनके कल मेडिकल होने हैं उनके तो आ गए और जिनके दो एक दिन बाद होंगे उनके भी आ जाएंगे, वो टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि एडमिट कार्ड अपना लेके और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बता रखे हैं या आपने जितने भी बनवा रखे हैं सभी रख के आप समय से सेंटर पर पहुँच जाना, जहाँ भी आपका मेडिकल होना है। जहाँ भी होना है मतलब क्या है कि आपका आपकी पुलिस लाइन में ही होगा तो पुलिस लाइन में पहुंच जाना, वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका मेडिकल किस प्रकार होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही आप गेट पे प्रवेश करके जाएंगे और वहाँ पे आपको सभी लोगों को एक जगह बैठा लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ से 10-10 करके या 20-20 करके कैंडिडेट जाएंगे जहाँ आपका मेडिकल चल रहा है, वहीं आपकी सारी प्रक्रिया होनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको किस प्रकार अपना मेडिकल कराना है। मैं जो बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी कैंडिडेट के मेडिकल होना है मैं पहले से उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, आके आप सफल हों और पुलिस परिवार का हिस्सा बने। तो आपको आपको क्या करना है वहां और आपका मेडिकल कैसे होगा, चलिए बात करते हैं। जैसे ही एक एक कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाएगा वहाँ पर आपके नोडल अधिकारी बैठे होंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा आपकी जाँच की जाएगी कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका मेडिकल होना है। ठीक है, मोटा मोटा जांच करते हैं, वो भी आपका फ़ोटो देखेंगे और आपकी खुद को देखेंगे कि आप मतलब किस प्रकार के हैं, फ़ोटो में हैं वही हैं या कोई अदर कैंडिडेट तो नहीं है। उसके बाद आपका थंब लगेगा और सिग्नेचर वगैरह होंगे, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं। आपको वो आधार कार्ड भी देखेंगे कि आप वही आधार कार्ड है जो पहले वाला है, सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद मेडिकल के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले क्या चेक हो और बाद में क्या चेक हो, कहीं आंखों से स्टार्ट होता है तो कहीं और कुछ पहले चेक होता है। ठीक है, तो आपका मेडिकल दो हिस्सों में पूरा होगा। दो हिस्सों में पूरे होने का मतलब यह है कि आपका, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आपका कमर से ऊपर क्या चेक होगा और कमर से नीचे क्या क्या चेक होगा और आपको किस प्रकार चेक कराना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कमर से ऊपर आपका क्या चेक होगा। तो देखो, कमर से ऊपर आपका चेक होंगे कान, आँख और कहीं कहीं दांत भी चेक होंगे। वैसे दांत चेक नहीं होते, ठीक है, दांत चेक नहीं होते, कहीं कहीं हो सकते हैं दांत चेक हो जाएं। उसके बाद आपकी फिंगर्स चेक होंगे कि प्रॉपर ठीक है या नहीं है। उसके बाद हाथ को भी देखेंगे, मतलब एंगल नहीं देखेंगे कि कैसा एंगल है, कहीं भी एंगल नहीं देख रहे। ठीक है, एंगल की टेंशन मत लेना, हाथ टेढ़े ना हों। किसी का हाथ अगर बेंड टूट जाता है उसके बाद सही होता है तो वो बेंड हो जाता है, वो हाथ प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब आपको ऐसे नॉर्मली आपका देखा जाएगा और आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। उसके बाद आँखों के लिए मैं आपको बता दूं, आँखों में आपके दो तीन टेस्ट होंगे। आँखों में एक तो आपका डिस्टेंस विजन होगा कि आपको 20 फीट दूर बैठना है, यानी हम उसे 6 मीटर कह सकते हैं। 6 मीटर दूर से आपको एक चार्ट पढ़वाएंगे, वो चार्ट कौन सा होगा आपको 99% आपको ये चार्ट होगा, ये देख सकते हो, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये चार्ट आपको मिल जाएगा 99%। इसी चार्ट को आप रट लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना और यही चार्ट मिलेगा आपको। ये चार्ट कहाँ से मिलेगा, आप चैनल के सॉरी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप मेरा लिंक डाउनलोड, मेरा लिंक पड़ा हुआ है वहाँ पे टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, कई तरह के चार्ट होते हैं लेकिन मोस्टली इसी चार्ट को प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो एक आपको डिस्टेंस विजन होगा, आपको मतलब आपको पढ़वाया जाएगा, छोटी छोटी जो नीचे वाली लाइन है उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा कि आप कितना सही पढ़वा रहे हैं।
वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपकी आंख 6x6 की है या 6x9 की है या 6x12 की है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपकी आंखें 6x6 की हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी आंखें 6x9 की हैं दोनों तब भी चल जाएंगी, और अगर आपकी एक आंख 6x6 और एक आंख 6x12 की है तब भी चल जाएंगी। अगर इसके अतिरिक्त और ज़्यादा होती है तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं करिए कि वो चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एक तो होगा डिस्टेंस विजन, उसके बाद होगा एक कलर विजन। एक आपने देखा होगा कलर विजन की बुक वगैरह, मैं एक आध ये फोटो लगा दे रहा हूँ एक आध कलर विजन के यहाँ पे, तो इस तरीके के आपको बुक मिल जाएगी। उसमें आपको नंबरिंग दी होगी कि किस पेज पे कितना नंबर लिखा है, वो आपको नॉर्मली देख के बताना है, वो पलटते जाएंगे और आपको बता देना है इतना इतना नंबर है, जैसे 2, 6, 8, 25 जो भी हो एक्स वाई जेड बता देना है, ठीक। उसके बाद एक और चीज़ चेक करेंगे आपकी आंखों में, वो चेक करेंगे भेगापन, जो आपका किसी भी एक पेंसिल ले लीजिए या कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसको आपको इंडिकेट करेंगे, आपको दिखाएंगे और आपको ऐसे उसको देखना है जिससे आपका भेगापन चेक हो जाएगा। बस तीन चीज़ चेक होगी आपकी आंखों में, ठीक। और उसके बाद आपका होता है कान टेस्ट। तो आपका कान टेस्ट कैसे होगा कि आपकी कान में वो ऐसे उनके पास जो मशीन रहती है वो डालेंगे, उसमें लाइटिंग होती है, वो अपना देखेंगे उसके अंदर से और आपका देख लेंगे, अगर कान में कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो वो आपका पॉइंट बन जाएगा, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद उसी में कान के पास ही एक आपको छोटा सा आवाज़ साउंड करेंगे, छोटा सा दो तीन बार करेंगे, और उसको आपको बताना है कि साउंड किस बार अधिक आया और किस बार कम आया, जो एक्चुअली में आया हो वही बताना, ठीक है। बाकी ये हो गई आपकी कान की बात, आँख की बात कर ली, और रही दांत की बात, तो कहीं 90% सेंटरों पर दांत चेक नहीं होते, और पिछली बार जो 14,000 कैंडिडेट हैं उनके तो कहीं दांत चेक हुए नहीं, क्योंकि सभी ने मास्क लगा रखा था, और इस बार भी सभी लोग मास्क लगाएंगे तो इस बार भी दांत चेक होने की संभावना कम, ठीक है। और हाथों के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। अब होता है कमर के नीचे का, कमर के नीचे आपका क्या चेक होना है और बता दूं किस प्रकार आपको चेक कराना है, यही सबसे बड़ा डाउट है। एक आंखों में डाउट रहता है और एक आपके जो जो मिलते हैं ना घुटने, नौकनी जो बोलते हैं उसमें, और फ्लैट फुट में, इसमें ज़्यादा समस्या होती है। तो आपको बता दूं कि नौकनी चेक करवाते समय, आप कमर के नीचे की बात कर रहे हैं, कमर के नीचे एक नौकनी चेक होता है, एक फ्लैट फुट चेक होता है, बस ये दो चीज़ चेक होती हैं, ठीक। तो नौकनी चेक करवाएंगे जब हम, तो पैरों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना, और बिल्कुल भी पैर नहीं मिलाने, घुटने बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए, और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही कम समय में ये चेक होता है, जल्दी से देख लेंगे, आगे हम आगे खड़े होकर देख लेंगे, अगर थोड़ा भी गैप है, एक पेंसिल कितना गैप है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप डरिए मत, पैरों को थोड़ा पीछे खींच के रखना एंगल को, अगर पैर मिल भी रहे हैं तो थोड़ा पीछे तनाव रखोगे पैरों पे तो वो थोड़े से खुल जाएंगे, ठीक है। और फ्लैट फुट की बात करूँ मैं, तो फ्लैट फुट में आपको क्या करना है कि फ्लैट फुट कहीं कहीं तो ऐसे ही चेक करवा लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं पीछे से, ऐसे पैर करवा देंगे देख लेंगे, तो अगर पीछे से पैर अगर ऐसे करके दिखाएगा कोई भी बंदा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि अपना पैर थोड़ा बेंड कर लेगा और वो दिखा देगा, उसका तो फेल होने का मतलब ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसे चेक कर रहे हैं कि सिर्फ पैर को देख रहे हैं फ्लैट है या नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं अगर किसी पर बालू वगैरह होती है उस पर रखवा रहे हैं पैर, तो वो अपने हिसाब से रख सकता है, उसमें थोड़ा जो फुलाव है उसमें ला सकता है और अपना बचाव कर सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर हो गई नौकनी और फ्लैट फुट के बारे में। नौकरी फ्लैट फुट से संबंधित आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर आपको दूंगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपका एक बार बता दूं, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सर प्राइवेट पार्ट चेक होगा या नहीं, पिछली बार एक सेंटर पर कहीं चेक हुआ था तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता, कभी किसी सेंटर पर चेक करवा सकते हैं, वैसे 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% सेंटरों पर प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है एकदम कि प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किया जाएगा। ये सभी चीज़ चेक करने के बाद, और ये बता दूं मैं आपको कि ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल होती हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि एक बंदा अगर घुस गया तो कितना टाइम लगता है उसको, देखो एक बंदा घुस गया उसके बाद एक एक करके और भी घुसते चले जाते हैं उसमें से अंदर, ये नहीं है कि एक जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक और नहीं घुसेगा, सब निकलते जाते हैं, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी का कुछ काम हो रहा है, किसी का कुछ काम हो रहा है, इसी दरमियान आपको एक काम करना है, अगर अगर आपने एंट्री मारी और आपका अगर कुछ और चीज़ चेक हो रहा है, और किसी बंदे का उसी हॉल में उसी में अंदर किसी बंदे का
अगर आई विजन टेस्ट चल रहा है तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा चार्ट लगा हुआ है और उसको पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं क्या है कि अगर आप देख सकते हैं, एक दो नज़र मार सकते हैं उस पर, ठीक है। अगर किसी सेंटर पर अवेलेबल हो जाता है ऐसा तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंने जो बात बताई है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। इतना सारा करने के बाद आपका वहीं लंबाई यानी कि हाइट और चेस्ट नाप लिया जाएगा। हाइट नॉर्मल नापेंगे, अगर आपकी फिक्स है तो आप पास हैं, अगर आपकी कम है तो फेल हो जाएंगे, और अगर आपकी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। रही बात चेस्ट की, तो चेस्ट में कोई भी फेल नहीं होगा, ठीक है। बाय द वे, किसी का बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसका कह नहीं सकता, लेकिन किसी का नॉर्मल है, थोड़ा बहुत इधर उधर है तो चल जाएगा। चेस्ट में मेडिकल में कोई भी फेल नहीं होता, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में फेल होता है यानी कि अनफिट होता है, यानी कि उसका रीमेडिकल लिखा जाता है, तो उसको अगले दिन फिर मौका मिलता है और वहाँ पास होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं कि आप अनफिट हो जाते हैं। वैसे तो अनफिट होता ही नहीं है कोई, बहुत सारी रियर केस, बहुत रियर केस में कोई अनफिट होता है, वैसे अनफिट कोई होता नहीं है। जिसकी बहुत ज़्यादा समस्या है आँखों में, समस्या है या लंबाई कम है, आँखों में समस्या लंबाई कम, इन्हीं दो पॉइंटों पे कोई फेल हो सकता है, बाकी कोई कहीं फेल नहीं हो सकता, ठीक। ये मोटी मोटी बात आपको मैंने बता दी, ये कोई नहीं बताता, ठीक है। सब डरते हैं यूट्यूब पे बताने में, ठीक है, मैंने बता दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपका सब कुछ अच्छे से हो जाता है, आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए, आपका सबका जैसे ही हो जाता है तो आपको एक हॉल में बिठा लिया जाएगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे और आपसे कुछ लिखवाया जाएगा, यानी कि दो फॉर्म भरवाए जाएंगे, उन फॉर्म को मतलब जो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए आने हैं आपके थाने में, और आपके एक SP ऑफिस में जाएगा, दो भरवाए जाएंगे। और जो लोग पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है या कोई ग्रुप डी वगैरह है, रेलवे वगैरह में है, और वो जो और ये ज्वाइन करना चाहता है वो, ठीक है, तो वो तीन फॉर्म भरेंगे, उनका उनका वेरिफिकेशन वहाँ से भी होगा, ठीक है। वैसे आप भर सकते हैं, और बाकी तो सभी लोगों को दो फॉर्म भरने पड़ेंगे, वहीं आपके फ़ोटो भी लग जाएंगे, फ़ोटो एक दो पे आपके पहले भी लग जाएंगे, और उसके बाद आपके सिग्नेचर वगैरह होके जैसे ही आप निकलेंगे आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा, रिजल्ट चस्पा कर दिया जाएगा रिजल्ट, वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और वहाँ से एक एक करके अपने बाहर जा सकते हैं, और ऐसे ही आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने ये सारी बातें बताई हैं, इसके अतिरिक्त आपका कोई और भी सवाल है तो उसको पूछ सकते हैं, वे झिझक पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 1 लाख जरूर ठोक दें, अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो बेशक डिसलाइक कर दें, लेकिन मुझको ये बता दें वीडियो अच्छा क्यों नहीं है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो के बारे में बताना जरूर, अच्छा लगा या खराब लगा। जाते जाते एक बात बता दूं कि जितने भी लोगों का मेडिकल होना है उनके लिए वेस्ट ऑफ लक, मैं भगवान से आशा करता हूं कि वो सभी लोग क्वालिफाई कर जाएं और अपना जीवन आगे के लिए अग्रसर करें, मतलब अपने परिवार वालों का सपना साकार करें, ठीक है।